बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम ए लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706/32 इसका अक्टूबर नवंबर 2021 का पेपर 3 करने जा रहे हैं। पेपर 3 को स्टार्ट तो क्वेश्चन नंबर 1 से करना चाहिए, लेकिन एक फरमाइश है कि अगर हम इसको क्वेश्चन नंबर 6 पहले करा दें तो हम लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं और फिर बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे इस पेपर को। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कैपिटल बजटिंग से रिलेट्स करता है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम्स के अंदर भी फ्रिक्वेंटली एग्जामिनर पूछता है। इसके कंसेप्ट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए और कंसेप्ट इसके बहुत सिंपल हैं कि अगर आज आपके पास $100 पड़े हैं और बैंक का रेट 10% का है तो इसमें हो सकता है ईयर एंड के ऊपर आपको $10 मिलेंगे, तो ये जो $100 है ईयर वन के एंड पे इसकी जो वर्थ है वो $110 है। तो इसकी जो $110 की जो करेंट वैल्यू है वो फिर क्या है बनी है आपकी, वो $100 बनी है। तो 100 डालिए जो 10% है इसको, अगर 1.1 को मैं डिवाइड करूँ तो 0.9091 बनता है। इस अगर $110 को 0.9091 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो देखें ये 100 आ जाएगा। आप सिंपल कंसेप्ट में आपको आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है कि देखिए ये $100 थे, इसको 10% आपने जब करा तो $10 आपको मिला, ये ईयर एंड पे $110 है। ईयर वन के एंड पे जो $110 है इसकी करंट वैल्यू क्या है, तो करंट वैल्यू के लिए जो भी डिस्काउंट फैक्टर है सिंपल एक काम ये करा करें, 1 अपने पास से लगाएं और इसको फिर 10% को 100 से डिवाइड करें तो 0.1 आ जाएगा, तो 1.1 हो गया। ये जो 1 है 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करें तो ये 0.9091 बनेगा। इस ये डिस्काउंट फैक्टर कहलाता है 0.9091। इसको अगर आप जो ईयर एंड के ऊपर जो वैल्यू होती 110 उससे अगर आप मल्टीप्लाई करें तो व्हाट एग्जैक्टली यू गेट $100 जो करंट वैल्यू है इसके अंदर है। जो करंट वैल्यू आपने देखा कि $100 है, तो दिस इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फिर इसी फैक्टर को आप दोबारा इसी से अगर मल्टीप्लाई कर दें, यानी 0.9091 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट, ये देखें अगर हम ये डिस्काउंट फैक्टर्स की आपको एक टेबल भी दी गई होगी, नॉर्मली अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो इसको कैलकुलेट करने का आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सिंपल होता है। देखें ये देता है कर्ट यूजेज ए कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 12%। द डिस्काउंट फैक्टर्स फॉर दिस आर एज फॉलोज, कि डिस्काउंट फैक्टर्स इस पे दिए हुए हैं, मैंने आपको डिस्काउंट फैक्टर बताया, वन अपने पास से लगाएं, वन करके पॉइंट लगा के 12% को 12% को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.12, तो 1 को डिवाइड करें 1.12 से व्हाट यू गेट, देखें एग्जैक्टली ये जो दे रहा है फैक्टर्स ये आपके पास आ जाएगा। और ये जो फैक्टर आएगा, मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद है, मैंने सिंपल जो फैक्टर आया था मल्टीप्लाई मैंने किया और इज इक्वल टू का साइन मैंने दबा दिया, तो ये सेकंड ईयर का फैक्टर मेरे पास आ गया। आपके पास कैलकुलेटर है, आप एग्जैक्टली इसी तरीके से करें जैसे मैं बता रहा हूँ। अब ये जो 0.7973 आया है, मैंने मल्टीप्लाई करा और इज इक्वल टू का निशान दबाया तो 0.712 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास ये जो फैक्टर्स हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.12 करके आप निकाल सकते हैं, और आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप सिंपल ये भी कर सकते हैं कि ये आपको एग्जामिनर दे देता है, लेकिन मैंने सिंपल समझाया कि ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है और द डिस्काउंट फैक्टर्स भी इसको कहते हैं और ये कैसे निकलता है। ये $100 की मैंने एग्जाम्पल दे के आपको समझाया, तो बड़ा सिंपल होता है। इसे टाइम वैल्यू के ज़रिए डिफरेंट डिसीजन जो हमारे होते हैं उसको हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं, कि वहाँ पर हम नॉर्मली मशीन खरीदनी है, कोई प्लांट खरीदना है, उसमें ये डिस्काउंट फैक्टर्स करके प्रेजेंट जो डिस्काउंट जो हम एस्टिमेट्स करते हैं कि फ्यूचर में कितना पैसा कितनी रकम ये एसेट्स हमारा जनरेट कर सकता है उसको रिवर्ट करके करंट वैल्यू के ऊपर ला के फैसला करते हैं कि अगर नेट करंट वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव का मकसद है कि जो कुछ खर्चा कर रहे थे, जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो इतना ज़्यादा है कि जो एक्सपेंसेस को माइनस करके कैपिटल आउटले का मकसद है जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसको भी माइनस करने के बाद में अगर वो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाती है तो इसका मकसद है वो जो प्रोजेक्ट है वो बेहतर है।
तो दिस इज द होल कंसेप्ट। यहाँ अब हम देखते हैं सवाल में इन्हीं कंसेप्ट को यूज करते हुए ये क्या कहता है। कट रन ए मैनुफैक्चरिंग बिजनेस, ही हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन सम न्यू मशीनरी सो दैट ही कैन प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, वो एक नई प्रोडक्ट बना सके। ही एंटिसिपेट्स दैट द नेट एंड नेट कैश इनफ्लोज, नेट कैश इनफ्लोज का मकसद क्या होता है कि जो कैश इनफ्लोज आपके हैं, कैश इनफ्लोज का मकसद है जो रेवेन्यू जनरेट करके जो पैसा आपके पास आ रहा है उसमें से कैश आउटफ्लोज, आउटफ्लोज का मकसद क्या है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने की है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा आपके पास आप यूँ समझें कि जो एक्सपेंसेस हैं आप वो माइनस कर रहे हैं, जितने एक्सपेंडिचर्स हैं, तो इस किस्म की जितनी चीज़ों को माइनस करने के बाद में अगर नेट कैश इनफ्लोज आपके ज़्यादा हैं, सॉरी कैश इनफ्लोज आपके ज़्यादा हैं और आउटफ्लो को माइनस करके, तो उसे कहते हैं नेट नेट कैश इनफ्लोज आपके पॉजिटिव हैं। तो ये पॉजिटिव देख रहे होंगे आप सारे ईयर वन के ऊपर जो जनरेट हुआ है, नेट कैश इनफ्लोज का मकसद है आउटफ्लोज को माइनस करके, वो 89,000 है। ईयर टू के अंदर भी पॉजिटिव है, ईयर थ्री में भी पॉजिटिव है और ईयर फोर में भी पॉजिटिव है। कहता है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द टर्म नेट कैश इनफ्लोज, नेट कैश इनफ्लो में आपको समझा के आ रहा हूँ अभी। द एक्सेस ऑफ टोटल कैश इनफ्लोज, के टोटल कैश जो इनफ्लो आपके हो रहे हैं उनकी एक्सेस किसके ऊपर, एक्सेस ओवर टोटल कैश आउटफ्लोज, ये जो टोटल कैश आउटफ्लोज हैं उनके ऊपर एक्सेस ऑफ बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। तो ये आपके पास डेफिनेशन हो गई इसकी। आगे कहते हैं कट यूजेज अ टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 12%, द डिस्काउंट फैक्टर फॉर दिस आर एज फॉलोज, इसके डिस्काउंट फैक्टर उसने आपको दिए हुए हैं जो मैंने बताया आपको। कट इज कंसिडरिंग टू ऑप्शन फॉर द परचेज ऑफ द मशीनरी टू मेक द न्यू प्रोडक्ट, के मशीनरी को खरीदने के दो ऑप्शन उसके पास हैं। ऑप्शन वन में कहता है द परचेज ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग $150,000 विच वुड हैव नो स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, एंड ऑफ फोर्थ ईयर में कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी। व्हाट डू मीन बाय स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू इज द टर्म वी यूज कि वो एसेट जब अपनी लाइफ एक्सपायर कर लेगा तो हाउ मच यू विल बी गेटिंग बाय सेलिंग दैट पर्टिकुलर एसेट इज कॉल्ड द स्क्रैप वैल्यू, व्हाट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम स्क्रैपिंग दैट एसेट। तो दिस वुड रिजल्ट इन द मैनुफैक्चर ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट हैविंग अ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $60,981, और दिस वुड रिजल्ट इन द मैनुफैक्चर ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, एक मैनुफैक्चर एक प्रोडक्ट आप करेंगे और उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव कैसे होगी, मैंने आपको बताया कि वो सारे खर्चों को माइनस करने के बाद भी जो आपके जो ये देख रहे हैं ये इनफ्लोज नेट कैश इनफ्लोज, इनको अगर हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करें, ये कितने इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए उसने आपको फैक्टर्स दे दिए हैं, दोनों चीज़ें दे दी हैं आपको जो नेट कैश इनफ्लोज हैं और ये फैक्टर, इनसे मल्टीप्लाई कर दें सिंपल, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें तो ऑप्शन वन में इसने खुद ही बता दिया कि नेट कैश जो प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है पॉजिटिव है 60,981। ऑप्शन टू में कहता है द परचेज, लेकिन इसमें स्क्रैप वैल्यू कोई नहीं है। ऑप्शन टू में कहता है द परचेज ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग $290,000, के मशीन जो है $290,000 की आपको पड़ेगी, विच वुड हैव ए स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ फोर ईयर, लेकिन इसकी स्क्रैप वैल्यू होगी ईयर फोर के ऊपर। ऑल्दो एज येट दिस स्क्रैप वैल्यू हैज नॉट बीन एस्टिमेटेड, कि ये स्क्रैप वैल्यू का पता हमें कुछ नहीं है कि ये कितनी है। कहता है कि नंबर बी में कहता है कैलकुलेट द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीनरी एट द एंड ऑफ ईयर फोर, विच वुड रिजल्ट इन ऑप्शन टू हैविंग एन नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि आपको स्क्रैप वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ऑप्शन टू की, लेकिन उसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, नंबर वन कहता है कैलकुलेट करें लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो होगी और स्क्रैप वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो ठीक है, हम कर लेते हैं, बड़ा सिंपल है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो ज़ीरो, ईयर ज़ीरो लिख दें आप। ईयर ज़ीरो क्या होता है, जिस डेट पर आप बैठे हुए हैं, इसमें जो आउटफ्लो होता है आपको उसको हमेशा नेगेटिव करके लिखिएगा। आउटफ्लो का मकसद है कि जा क्या रहा है आपके पास, तो $290,000 की आपको पेमेंट करेंगे, या ये आउटले हो गया कैपिटल आउटले। उसके बाद ईयर वन का डिस्काउंट फैक्टर, ईयर वन को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्काउंट फैक्टर से। तो ईयर वन को डिस्काउंट फैक्टर किस तरीके से लगाएंगे मेरे भाई, देखें इस तरीके से, ये जो 89,000 है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 0.893 से। ईयर टू को मल्टीप्लाई कर दें 0.797 से,
यार 3 को मल्टीप्लाई कर दें 0.712, और एयर 4 को मल्टीप्लाई कर दें 0.636. व्हाट यू गेट? 89,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.873, बट यू गेट 77,697, 79,477. क्या हो गया? 89,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.893, 79,477 एग्जैक्टली यही आ गया. इस तरीके से ईयर 2 को मल्टीप्लाई कर दें, $76,000, ये 76, ये और ईयर 2 का फैक्टर्स 0.797, तो आप क्या आपको मिल जाएगा. इसी तरीके से देखें, ये ईयर तीन चारों साल का, 4 ईयर्स का आपने ये निकाल लिया, और इस 290,000 में से जब इनको माइनस किया, क्योंकि ये आज की डेट की वैल्यू है, डिस्काउंट फैक्टर से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये करंट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. तो आज की डेट के ऊपर ये पैसा, अगर वो जो 4 ईयर के बाद आप यूँ समझें कि फोर्थ ईयर में ये जो पैसे 41,000 मिल रहे हैं, इनकी आज की डेट के ऊपर हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से जब इसको मल्टीप्लाई किया, तो प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू आज की डेट पे 26,000 आती है. कितनी आती है इसकी वैल्यू? 26,000 रुपीस डॉलर इसकी वैल्यू बनती है. तो दिस इज़ द पॉइंट, इन सब को जब आज की डेट के ऊपर हमने कन्वर्ट कर लिया, तो इसमें से जब इसको माइनस किया तो शॉर्ट फॉल आ गया 79,119 डॉलर का शॉर्ट फॉल है. शॉर्ट फॉल का मकसद है कैपिटल आउटले ज़्यादा है और इनफ्लो आपके नेट इनफ्लो नेट कैश इनफ्लोस को आपको प्रेजेंट वैल्यू में भी अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो भी इतना शॉर्टफॉल पड़ता है. इस शॉर्टफॉल को जो फोर्थ ईयर में जाके शॉर्टफॉल है, इसको फोर्थ ईयर के फैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, इसको करंट वैल्यू के अंदर फोर्थ ईयर के अंदर जो पैसा था उसको अगर आप फोर्थ ईयर में उसकी वैल्यू जाकर देखना चाहें तो हमेशा फिर डिवाइड कीजिएगा. करंट वैल्यू के ऊपर नहीं कर रहे हैं, फोर्थ ईयर के एंड पे जाके ये पैसा मिलेगा, तो इसको डिवाइड कीजिएगा, मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा. जब आप करंट वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो तो फिर उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा डिस्काउंट फैक्टर से, और अगर फोर्थ ईयर में जाके आपको देखना हो कि पैसा कितना होगा तो उसको फिर आप डिवाइड कीजिएगा. तो डिवाइड, जब फोर्थ ईयर का फैक्टर आपको दिया हुआ है तो फोर्थ ईयर के अंदर जाके ये शॉर्टफॉल कितना हो जाएगा, तो इसको आपने डिवाइड करा, 79,019 को डिवाइड किया ये फोर्थ ईयर के फैक्टर से. ये फोर्थ ईयर का फैक्टर देख रहे हैं, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि फोटो के तक स्क्रैप वैल्यू तो आपको फोर्थ ईयर में जाके मिलेगी ना, जब आप बेचेंगे मशीन को, वो आपने डिवाइड जब इससे किया तो $124,000 आपके आ गए. अब मैं अगर आपको यूं समझाऊं, ये आपके पास आ गई रिक्वायर्ड स्क्रैप वैल्यू, ये स्क्रैप वैल्यू आपकी है, और स्क्रैप वैल्यू को, क्योंकि ये कहता है नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आपकी ज़ीरो होगी, तो इसी 124,240 को अगर मैं आज की करंट डेट पे कन्वर्ट करूं, क्योंकि मैंने तो फोर्थ ईयर के बाद निकाला है ना, इसलिए डिवाइड किया, इसको मल्टीप्लाई, तो डेफिनेटली मैं इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करने का मकसद है यही 79,019 मेरे पास आ जाएगा. तो ये स्क्रैप वैल्यू से पैसा आया, ये बाकी पैसा आया, जब मैं इन सबको करूँगा तो डेफिनेटली मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाएगी? ज़ीरो, जिसकी वो बात कर रहा है. दिस इज़ द ट्रिकी पॉइंट इन दिस क्वेश्चन, कि आपको सिंपल क्या करना है कि नेट कैश इनफ्लोस को करंट वैल्यू में कन्वर्ट करें, जो शॉर्टफॉल आ जाए उसको डिवाइड करें फोर्थ ईयर के फैक्टर से, तो आपके पास फोर्थ ईयर में जो पैसा स्क्रैप वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगी, और अगर आप चेक करना चाहें तो उसी को इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आप अपने नेट कैश इनफ्लोज में दिखा दें स्क्रैप वैल्यू लिख के ईयर 4 के अंदर, और फिर जब आप करेंगे तो आपके पास स्क्रैप वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, जो वो कह रहा है आपसे. तो दिस इज़ द पॉइंट, आपने ऐसे कैलकुलेट किया इक्वल टू द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन 1 के ईयर 2 में कहता है कि स्क्रैप वैल्यू मालूम करें, और आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो ऑप्शन 1 वाली होगी. ऑप्शन 1 के अंदर स्क्रैप वैल्यू, सॉरी, नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी? 6981.
ये भी बड़ा सिंपल है, 79,000 का तो शॉर्टफॉल आपका पहले आया था, और रिक्वायर्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको कितनी करनी है, 60,981 जो ऑप्शन वन में दी हुई थी, इन दोनों को प्लस कर लें, और अगेन वही फोर्थ ईयर के फैक्टर से डिवाइड करके फोर्थ ईयर की स्क्रैप वैल्यू निकाल लें। यही स्क्रैप वैल्यू को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 140,000 आ जाएगा आपके पास। 140,000 को अगर आप यहाँ लिखें, ये देख रहे हैं ये चारों को मैं अगर प्लस करूँ, 79,477 प्लस 60,572 प्लस 44,856 प्लस 26,076, तो ये आपके पास आ गया मेरे भाई 210,981। ये आ गया आपके पास नेट कैश इनफ्लोस, और उसमें ये वाली जो आपके पास, क्योंकि आप फोर्थ ईयर के फैक्टर से जब निकालेंगे तो स्क्रैप वैल्यू कितनी आ जाएगी, 140,000। ये आ गई आपके पास, इन दोनों को प्लस कर लें, ये आ गया 350,981। और ये इनफ्लोज हैं, ये आपके करंट वैल्यू पर जनरेट हुआ, इसमें से इसको माइनस कर दें, माइनस 290,000 जो था, तो देखें 60,981। ये 60,981 वही है एग्जैक्टली जो वो कह रहा है आपसे सवाल में कि जी आप स्क्रैप वैल्यू माइनस करें इस तरीके से कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आपकी ऑप्शन वन वाली आ जाए। तो दिस इज़ द ट्रिकी पॉइंट जो आपको समझना है कि प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट को यूज़ करके आपने पहले तो अपना नेट कैश इनफ्लोज को करंट वैल्यू में कन्वर्ट किया, फिर शॉर्ट फॉल जो आया था उसको फोर्थ ईयर के फैक्टर से डिवाइड करके स्क्रैप वैल्यू निकाल ली, और बाद में जो वो आपसे पूछ रहा है उसके अंदर जो पहले वाले का शॉर्ट फॉल था उसमें जो रिक्वायर्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू के बराबर लाना है उसको प्लस करके वही फोर्थ ईयर के फैक्टर से डिवाइड करके आपने स्क्रैप वैल्यू निकाल ली, और जब आप रीचेक करेंगे तो एग्जैक्टली आपका जवाब मैच हो जाएगा। तो ये दो पार्ट थे जो आपने देखे। आगे कहता है एक्सप्लेन हाउ द वाई द पे बैक पीरियड इज शॉर्टर फॉर ऑप्शन वन देन इज फॉर ऑप्शन टू व्हेन द नेट कैश फ्लोज आर द नेट कैश फ्लोज। तो देखें सेम है, लेकिन असल में जो पॉइंट है वो ये है कि पहले वाला जो है इसका कैश आउटफ्लो जो है वो कम है, तो कैश आउटफ्लो कम है और कैश इनफ्लोज जो हैं आपके वो दोनों सेम है, तो डेफिनेटली पे बैक पीरियड का मकसद आप समझते हैं, पे बैक पीरियड का मकसद है कितने पीरियड के अंदर ये पैसा रिकवर हो जाएगा, तो डेफिनेटली पहले वाले का जो, क्योंकि 150,000 रिकवर आपके करने हैं, तो 150,000 तो अगर मैं देखूं तो 89,000 पहले फर्स्ट ईयर में आपको मिले, सेकेंड ईयर में आपको 76,000 मिले, तो सेकेंड ईयर में ही आपका ये पे बैक पीरियड पूरा हो गया, यानी सेकेंड ईयर में पैसे आपके 150,000 पूरे हो गए, लेकिन क्योंकि ऑप्शन टू में 290,000 है तो फिर डेफिनेटली हमें आगे जाना पड़ेगा। तो ये सिंपल लॉजिक है इसकी। ऑप्शन वन हैज अ लोअर इनिशियल कैश इनिशियल आउटले विच मीन्स दैट द कैश फ्लोज कैन कवर इट सूनर, वही जो मैं आपको समझा के आ रहा हूँ कि कैश फ्लो जो है वो इसको कवर जल्दी कर लेंगे, इसलिए ये मसला है कि इसका पे बैक पीरियड शॉर्टर है। एक्सप्लेन वाई शॉर्टर पे बैक पीरियड इज प्रीफरेबल टू ए लॉन्गर वन, डेफिनेटली ये बड़ा रिस्की आसान है कि जल्दी कम पीरियड में आपका कैश जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अगर रिकवर हो जाएगी तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लॉन्गर वन तो फिर रिस्क बढ़ जाएगा उसका, तो सिंपल है शॉर्टर पीरियड कैरीज लेस रिस्क, द लॉन्गर द पीरियड द ग्रेटर द लाइकलीहुड दैट ए प्रोजेक्ट विल नेवर पे बैक एट ऑल, कि लॉन्गर पीरियड में रिस्क होता है कि पता नहीं प्रोजेक्ट कामयाब हो या ना हो, शॉर्टर पीरियड मीन्स दैट फंड्स आर अवेलेबल सूनर, कि फंड आपके पास जल्दी आ जाएंगे। तो एक्सप्लेन वाई अ प्रोजेक्ट हैविंग ए जीरो नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नॉट द सेम एज इट्स हैविंग ए जीरो टोटल प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट तो अलग है, वो तो अकाउंटिंग के अंदर आप कैलकुलेट करते हैं, नॉन कैश आइटम्स भी उसके अंदर लेकर आते हैं, वेयर इज आप नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो है उसको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, अमाउंट्स आर डिस्काउंटेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू बट आर नॉट इन द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में तो आप डिस्काउंट नहीं करते, सिंपल इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टेक्स इनटू अकाउंट नॉन कैश आइटम्स सच एज डेप्रिसिएशन, वेयर इज नेट प्रेजेंट वैल्यू एक्सक्लूड्स सच आइटम्स, ये कैश इनफ्लो आउटफ्लो की बात करती है। ये दोनों में डिफरेंस था।
इट वॉज लेटर डिटरमिंड दैट अंडर ऑप्शन टू द मशीनरी कुड बी सोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर फोर फॉर प्रोसीड्स ऑफ $225,000। ये बाद में आपने पता चला कि मशीनरी जो है वो स्क्रैप वैल्यू हो सकती है $225,000 की। विद दिस वैल्यू द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न फॉर ऑप्शन टू वुड बी लोअर। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो एक्चुअली कम होगा आपका ऑप्शन टू के अंदर देन द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न फॉर ऑप्शन वन। ऑप्शन वन में बेहतर होगा। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का मतलब देखें एनुअल प्रॉफिट को डिवाइड कर देते हैं आप किससे डिवाइड करते हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उससे डिवाइड कर देते हैं तो आपको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है कि यार कितना रिटर्न आप कमा रहे हैं। तो ईयर वन में कहता है कि ज़्यादा होगा ईयर टू में कम होगा। एडवाइस कट विच ऑप्शन ही शुड इम्प्लीमेंट, दोनों में से कौन सा ऑप्शन जो है इम्प्लीमेंट करे। देखिए इसमें ये है कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वो इंडिकेट ऑप्शन वन, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ये कहता है ऑप्शन वन का बेहतर है। देर इज लोअर इन्वेस्टमेंट फॉर ऑप्शन वन। ऑप्शन वन हम देख के आ रहे हैं कि उसका पे बैक पीरियड जो है हमने देखा कि वो भी शॉर्टर है तो बेहतर है। पे बैक पीरियड वुड इंडिकेट ऑप्शन वन इज़ बेटर। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कहता है कि ये बेहतर है और पे बैक पीरियड भी ये कहता है बेहतर है। एट दिस वैल्यू द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन टू इज़ पॉजिटिव। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर ऑप्शन टू जो है उसकी प्रेजेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है एंड विल बी हायर देन द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन वन। और ऑप्शन वन के मुकाबले में ऑप्शन टू की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो बेहतर होगी। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू यूजुअली कंसिडर्ड द बेटर मेजर। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो बेहतर है कि एक बेहतर मेजर है ऑप्शन टू के अंदर। तो ऑप्शन टू में देखें हमने जब कैलकुलेट किया था तो अगर वो आपके पास प्रोसीड्स आ रही है रिक्वायर्ड स्क्रैप वैल्यू आपने निकाल ली थी और 220,000 और ये कहता है $225,000 ये अगर प्रोसीड्स बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली क्या होगा। अभी तो हमने 220,000 निकाली थी ना जिसपे ये 220,000 के ऊपर ये 60,000 आ गया था। अगर ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो इसका मकसद है इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी। क्योंकि देखें ये आप 220,000 के बजाय अगर ये $225,000 में लिख दूँ यहाँ पे और इसको मैं डिवाइड करूँ 0.636 तो 353 देख रहे हैं आप 353,773 ये 350 नहीं होगा 353,773 इसका मकसद है कि फिर ये 60,000 से ज़्यादा आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो फिर ऑप्शन टू की नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी ज़्यादा बन रही है तो फिर एडवाइजेबल ये है कि ऑप्शन टू एडॉप्ट किया जाए अगर ये $225,000 जो ये कह रहा है ये मिल जाते हैं इसको। तो ऑप्शन टू जो है बेहतर है और नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ज़्यादा बेहतर मेजर है कि आप उसको अडॉप्ट करें। तो इस स्टोरी के साथ वी कैन सेफली से कि ऑप्शन टू इज़ बेटर। इस $225,000 की स्क्रैप वैल्यू की प्रोसीड्स के साथ। तो इसके साथ ही फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन 1 के साथ। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।